नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 1,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का भी उद्घाटन करेंगे। संगीतकार इलैया राजा, प्रसिद्ध खिलाड़ी पीटी उषा, पटकथा लेखक वी विजयेंद्र प्रसाद और समाजसेवी वीरेंद्र हेगड़े राज्यसभा के लिए मनोनीत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। गृहमंत्री अमित शाह आज श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण करेंगे। कोविड की दूसरी खुराक और एहतियाती खुराक के बीच का अंतर 9 महीने से घटाकर 6 महीने किया गया। G20 विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से इंडोनेशिया के बाली में। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। नीदरलैंड्स ने आज महिला हॉकी विश्व कप के अंतिम पूल मैच में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। महिला क्रिकेट में तीसरे और अंतिम 1 दिवसीय मैच में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला आज। और साउथहैम्पटन में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आज भारत का सामना इंग्लैंड से। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने और लोगों का जीवन अधिक सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 1:30 पर वाराणसी पहुंचेंगे। तकरीबन 2 बजे वे अक्षय पात्र मिड डे मील रसोई का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 2:45 के आसपास श्री मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। आखिर में शाम 4 बजे के करीब प्रधानमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 590 करोड़ रूपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जिन प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे उनमें स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किए गए कार्य, डीजल और पेट्रोल से चलने वाली 500 नावों को CNG में तब्दील करना, दशाश्वमेध घाट पर यात्रियों की सुविधा के लिए बाजार का निर्माण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आवास और अन्य सड़क तथा आधारभूत ढांचे की परियोजनाएं शामिल हैं। श्री मोदी सिगरा में स्पोर्ट्स स्टेडियम के पुनर्विकास के पहले चरण के कार्यों की नींव रखेंगे। इस दौरान देश भर से आए 2,000 से अधिक खिलाड़ी उपस्थित रहेंगे। आदित्य शुक्ला की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। प्रधानमंत्री 3 दिन के शिक्षा समागम का भी उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किया है। इसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाएगा। शिक्षाविद डॉ संत कुमार चौधरी ने कहा कि सम्मेलन देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने और विचार विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करने जा रहे हैं वाराणसी में। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है, जहां पर 300 से ज्यादा वाइस चांसलर, कुलपति महोदय एवं अनेकों विश्वविद्यालय के निदेशक, अध्यक्ष, शिक्षाविद को ये आमंत्रित किया गया है। किस तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा छात्रों को लाभ पहुंच सके। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एवं वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्व प्रधान में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटकथा लेखक विजयेंद्र प्रसाद, समाजसेवी वीरेंद्र हेगड़े, संगीतकार इलैया राजा और प्रसिद्ध खिलाड़ी पीटी उषा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विजयेंद्र प्रसाद गारू दशकों से रचनात्मक दुनिया से जुड़े रहे हैं और उनके कार्यों ने गौरवशाली भारतीय संस्कृति प्रदर्शित करके विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है।
वीरेंद्र हेगड़े के योगदान पर श्री मोदी ने कहा कि वे उत्कृष्ट सामाजिक सेवा में सबसे आगे हैं और वे निश्चित रूप से संसदीय कार्यवाही को समृद्ध करेंगे। प्रधानमंत्री ने इलैयाराजा की रचनात्मक प्रतिभा की सराहना की। पीटी उषा के बारे में श्री मोदी ने कहा कि वे प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और खेल की दुनिया में उनकी उपलब्धियों को व्यापक रूप से पहचाना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकतंत्र भारत की संस्कृति में अंतर्निहित है। इसमें हर मतभेद को विचार विमर्श से दूर करने का रास्ता है। गुवाहाटी में कल अग्रदूत समाचार समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। जब संवाद होता है तब समाधान निकलता है, संवाद से ही संभावनाओं का विस्तार होता है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र में ज्ञान के प्रवाह के साथ ही सूचना का प्रवाह भी अविरल बहा और निरंतर बह रहा है। अग्रदूत भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की परंपरा, संस्कृति, आजादी की लड़ाई और विकास यात्रा में भारतीय भाषाओं की, पत्रकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। श्री मोदी ने कहा कि मातृभाषा के महत्व के कारण ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं में पढ़ाई को प्रोत्साहन दिया गया है। कोई भी भारतीय बेस्ट इन्फॉर्मेशन, बेस्ट नॉलेज, बेस्ट स्किल और बेस्ट अपॉर्चुनिटी से सिर्फ भाषा के कारण वंचित ना रहे, ये हमारा प्रयास है। मातृभाषा में पढ़ाई करने वाले छात्र कल चाहे जिस प्रोफेशन में जाएं, उन्हें अपने क्षेत्र की जरूरतों और अपने लोगों की आकांक्षाओं की समझ रहेगी। इसके साथ ही अब हमारा प्रयास है कि भारतीय भाषाओं में दुनिया का बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध हो। इसके लिए नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन पर हम काम कर रहे हैं। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को उनके मौजूदा विभाग के साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे पहले राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के त्यागपत्र स्वीकार कर लिए थे। राज्यसभा सांसद के रूप में श्री नकवी और श्री सिंह का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण करेंगे। स्वामी रामानुजाचार्य हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय के महत्वपूर्ण संत थे। उन्होंने 7वीं सदी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। धार्मिक सुधारों के रूप में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में हुआ, जिसका श्रेय रामानुजाचार्य को है। इसकी दो प्रमुख धाराएं निर्गुण और सगुण रही हैं। भक्ति आंदोलन मध्ययुगीन भारत में देवी देवताओं के प्रति लोगों में भक्ति में बड़ा परिवर्तन लेकर आया। नागालैंड में सत्ताधारी गठबंधन ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है। श्रीमती मुर्मू ने कल दीमापुर का दौरा किया। उन्होंने मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, उप मुख्यमंत्री वाई पैटन, यूडीए के अध्यक्ष टीआर जेलियांग, कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों, विधायकों और भाजपा नेताओं के साथ बैठक की। राज्य भाजपा अध्यक्ष और उच्च शिक्षा मंत्री तेमजेन इमना ने बताया कि आम सहमति के फैसले में सभी दलों ने एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को समर्थन दिया है। शिवसेना ने लोकसभा में अपने मुख्य सचेतक को बदल दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे पत्र में शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि पार्टी ने श्रीमती भावना गवली के स्थान पर श्री राजन विचारे को मुख्य सचेतक के रूप में नामित किया है। इससे एक दिन पहले शिवसेना सांसद राहुल शिवाले ने पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का आग्रह किया था। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना से लोगों को चिकित्सा खर्च में काफी राहत मिली है। श्री मांडविया ने कहा कि जन औषधि केंद्रों पर कम कीमत और गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध होने से आम आदमी के खर्च में कमी आई है।
उन्होंने कहा कि चिकित्सा खर्च पर वर्ष 2019-20 में 2500 करोड़ रुपए की बचत हुई थी, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 5360 करोड़ रुपए हो गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में एक बैठक में पीएम गतिशक्ति की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में पिछले साल 13 अक्टूबर को शुरू होने के बाद से राष्ट्रीय मास्टर प्लान की स्थिति की समीक्षा की गई और पोर्टल में डेटा के तेजी से एकीकरण की योजनाओं पर चर्चा हुई। बैठक में राज्य स्तरीय संस्थागत व्यवस्थाओं पर हुई प्रगति की भी प्रशंसा की गई। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 1800 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का भी उद्घाटन करेंगे। संगीतकार लई राजा, प्रसिद्ध खिलाड़ी पीटी उषा, पटकथा लेखक वी विजेंद्र प्रसाद और समाजसेवी वीरेंद्र हेगड़े राज्यसभा के लिए मनोनीत। प्रधानमंत्री ने नए सदस्यों को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। गृहमंत्री अमित शाह आज श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण करेंगे। कोविड की दूसरी खुराक और एहतियाती खुराक के बीच का अंतर 9 महीने से घटाकर 6 महीने किया गया। G20 विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से इंडोनेशिया के बाली में। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। नीदरलैंड्स में आज महिला हॉकी विश्व कप के अंतिम पूल मैच में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। महिला क्रिकेट में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला आज। और साउथैम्पटन में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आज भारत का सामना इंग्लैंड से। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। कोविड से बचाव के लिए एहतियाती टीका अब दूसरे टीके के 6 महीने बाद लगाया जा सकता है। इससे पहले एहतियाती टीका दूसरी खुराक के 9 महीने बाद लगाया जाता था। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार दल ने इस अंतराल में संशोधन की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने इस बारे में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि हर घर दस्तक अभियान के अंतर्गत एहतियाती टीके का लाभ सभी लाभार्थियों को दिया जाए। इस बीच देश में कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 198,31,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 10,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 6,16,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों सहित पात्र लाभार्थियों को 4,79,00,000 एहतियाती डोज दी गई है। तमिलनाडु में कई कंपनियों और लघु तथा मध्यम उद्यमों ने अपने कर्मचारियों के लिए कोविड वैक्सीन की एहतियाती डोज का खर्च वहन करने पर सहमति व्यक्त की है। कामकाजी समूह के बीच एहतियाती डोज की संख्या कम होने को देखते हुए स्वास्थ्य उद्योग और लघु और मध्यम उद्योग विभाग ने कल चेन्नई में संयुक्त परामर्श बैठक आयोजित की। तमिलनाडु में 94% से अधिक पात्र आबादी को टीके की कम से कम एक डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 85% से अधिक लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। 5 दिवसीय वार्षिक हज यात्रा सऊदी अरब में आज से शुरू हो रही है। इस यात्रा में भारत से 79,000 से अधिक यात्री शामिल हो रहे हैं। मीना में एकत्रित होने के लिए हज यात्री मक्का के पवित्र शहर से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। वे वहां पर रात बिताएंगे और हज के दिन की मुख्य रस्म नमाज अदा करने के लिए कल तड़के अराफात के मैदान में एकत्रित होंगे। टीके की दोनों डोज ले चुके 65 साल से कम उम्र के यात्रियों को हुई हज यात्रा की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर वारकरियों को पंढरपुर ले जाने वाले सभी निजी वाहनों को टोल में छूट प्रदान की जाएगी। तीर्थयात्रा की तैयारियों की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थयात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं।
श्री शिंदे ने कहा कि अधिकारियों को पंढरपुर पर्यटन सर्किट के लिए एक दीर्घकालिक विकास योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अमरावती में औषध विक्रेता उमेश कोल्हे की हत्या के मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने महाराष्ट्र के कई स्थानों पर तलाशी ली। एनआईए ने डिजिटल उपकरण, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और डीवीआर बरामद किए। इसके अलावा घृणा फैलाने वाले पैम्फलेट और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज तथा सामग्री को जब्त कर लिया गया है। पिछले महीने की 21 तारीख को कोल्हे की हत्या कर दी गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कोचिन शिपयार्ड ने अंडमान निकोबार प्रशासन को एक यात्री सह कार्गो जलयान प्रदान किया है। नालंदा नाम के इस जहाज में 500 यात्रियों और 150 मीट्रिक टन कार्गो को ले जाने की क्षमता है। नालंदा के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने और इसे सौंपने का समारोह कोचिन शिपयार्ड में जहाज पर आयोजित किया गया था। G20 देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज इंडोनेशिया के बाली में शुरू हो रही है। बैठक का विषय है अधिक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध विश्व का निर्माण। ये बैठक वैश्विक बहाली के प्रयासों पर चर्चा करने के लिए एक कार्यनीतिक मंच प्रदान करेगी। इस बैठक में 2 सत्र होंगे। बहुपक्षवाद को सशक्त करने पर आधारित पहले सत्र में वैश्विक सहयोग मजबूत बनाने के साझा उपायों और देशों के बीच परस्पर विश्वास बनाने पर चर्चा होगी। खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित 2रे सत्र में खाद्य संकट, उर्वरकों की कमी और विश्व में वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए कार्यनीतिक उपायों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और खेलों में FIH महिला हॉकी विश्व कप के अंतिम पूल मैच में भारत का मुकाबला आज न्यूजीलैंड से होगा। ये मैच एम्स्टर्डम में भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे खेला जाएगा। इंग्लैंड और चीन के साथ खेले गए भारत के पहले 2 मैच 1-1 से बराबरी पर रहे। वहीं महिलाओं के 3रे और अंतिम 1 दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत का मुकाबला आज पल्लिकेले में श्रीलंका से होगा। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। 3 मैचों की श्रृंखला में भारतीय टीम शुरुआती 2 मैच जीतकर 2-0 की बढ़त बना चुकी है। 3 T20 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत का मुकाबला आज साउथहैम्पटन में इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे से शुरू होगा। जोस बटलर के कप्तान बनने से इंग्लैंड के T20 इतिहास में आज एक नए युग की शुरुआत होगी। इस श्रृंखला में रोहित शर्मा भी कप्तान बनने जा रहे हैं। राफेल नडाल और सिमोना हालिप ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में नडाल ने अमरीका के टेलर फिट्स को पराजित किया। कल उनका सामना ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में कल ही नोवाक जोकोविच और ब्रिटेन के कैमरन नूरी आमने सामने होंगे। महिला सिंगल्स में रोमानिया के सिमोना हालिप ने अमरीका की अमांडा अनिसिमोनोवा को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी समाचार की तरफ से हम रोजाना प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की। मोहम्मद बरकतुल्ला की जयंती है, जिनका जन्म 1854 में भोपाल में हुआ था। भोपाल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए। पढ़ाई पूरी होने के बाद वे इंग्लैंड के लिवरपूल में रहने लगे। वहां वे पत्रकार के रूप में काम करने लगे
और क्रांतिकारी गतिविधियों तथा भारतीय राजनीतिक मामलों से संबंधित लेख प्रकाशित कराए। लंदन में रहने के दौरान वे लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, नसरुल्ला खान और राजा महेंद्र प्रताप जैसे प्रमुख क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। 1907 में उनकी मुलाकात अमेरिका में मैडम भीकाजी कामा से हुई। इस दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क शहर की पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में भारतीय राजनीति और मुस्लिम हिंदू भाईचारे पर लेखों का योगदान दिया। फरवरी 1909 में वे जापान के टोक्यो में रहने लगे और 1910 में इस्लामिक फ्रेटर्निटी नामक पत्रिका की शुरुआत की। टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदुस्तानी के प्रोफेसर के रूप में उन्होंने अध्यापन भी किया। टोक्यो से उन्होंने काहिरा, कॉन्स्टेंटिनोपल और मॉस्को का दौरा किया और 1911 में वहाँ श्यामजी कृष्ण वर्मा और अन्य क्रांतिकारियों से मुलाकात की। इस बीच प्रेस में उनके ब्रिटिश विरोधी लेख और बयान इतने लोकप्रिय और प्रभावशाली थे कि ब्रिटिश सरकार ने न केवल भारत में उनके लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया बल्कि जापानी अधिकारियों पर उनके प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण रखने के लिए दबाव डाला। इसके परिणाम स्वरूप 1914 में उनकी पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनकी प्रोफेसरशिप को रद्द कर दिया गया। बाद में वे गदर पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की आशा के साथ जापान से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को चले गए। इस पार्टी की स्थापना में उन्होंने 1913 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वे जर्मनी गए और चंपाक्रमण पिल्लई, लाला हरदयाल और अन्य लोगों के सहयोग से बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी का गठन किया। मोहम्मद बरकतुल्ला इस्तांबुल चले गए और वहां की सरकार के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। 1915 में वे भारत जर्मन मिशन के सदस्य के रूप में काबुल गए और 1 दिसंबर 1915 को काबुल में प्रधानमंत्री के रूप में निर्वासन में ही भारत की पहली अंतरिम सरकार की स्थापना की। हालांकि स्थानीय अधिकारियों ने इसे अंग्रेजों के दबाव में बंद करने के लिए मजबूर किया। बाद में वे पत्रकारिता फिर शुरू करने के उद्देश्य से जर्मनी वापस चले गए। १९२१ के दौरान उन्होंने मॉस्को में भारतीय क्रांतिकारियों की 3 दिवसीय बैठक में भाग लिया। जून 1927 में बरकतुल्ला शैलेंद्र नाथ घोष के साथ यूनाइटेड इंडिया लीग के सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका के डेट्रॉइट गए। वे 1927 में ब्रसेल्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए यूरोप लौटे और जवाहरलाल नेहरू से मिले। संयुक्त राज्य अमेरिका लौटकर सितंबर 1927 में सैन फ्रांसिस्को में निर्वासन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार की ओर से महान राष्ट्रवादी मोहम्मद बरकतुल्ला को हमारा शत शत नमन। हम आज राम सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं जो राजस्थान के सवाई माधोपुर के रहने वाले थे। वे ब्रिटिश भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट में सिपाही थे। वे मलाया और सिंगापुर में द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े लेकिन 1942 में जापान ने उन्हें युद्ध के दौरान बंदी बना लिया। इसके बाद वे आजाद हिंद फौज की 3री गुरिल्ला रेजिमेंट में सिपाही के रूप में शामिल हुए। म्यांमार में ब्रिटिश नेतृत्व वाली सहयोगी सेनाओं का सामना करते हुए वे 7 जुलाई 1944 को वीरगति को प्राप्त हुए। भारत के इस महान सपूत राम सिंह को हमारा शत शत नमन। सात जुलाई को नागिंदर सिंह की पुण्यतिथि भी है। नागिंदर सिंह पंजाब में लुधियाना के निवासी थे। वे ब्रिटिश भारतीय सेना की 8वीं पंजाब रेजिमेंट में सिपाही थे। 1942 में वे आजाद हिंद फौज में शामिल हुए और हवलदार के रूप में काम करने लगे। उन्हें बर्मा में अंग्रेजों का सामना करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया जहां उन्हें दुश्मन ने पकड़ लिया। 7 जुलाई 1943 को उन्हें फांसी दे दी गई। धरती के इस लाल नागिंदर सिंह को हमारा शत शत नमन। इसी के साथ आज की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।
और अब मौसम। राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। एक या दो स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बुछारे पड़ने की संभावना है। श्रीनगर में बादल छाए रहेंगे, एक या दो बार वर्षा हो सकती है या गरज के साथ बुछारे पड़ने का अनुमान है। जम्मू और मुजफ्फराबाद में वर्षा हो सकती है। लेह और गिलगित में भी बादल घिरे रहेंगे। विशाखापत्तनम, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरू में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और वर्षा हो सकती है। गुवाहाटी, कोहिमा, आइजोल, शिलांग और ईटानगर में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। कर्नाटका में दक्षिण कन्नड़ा, उत्तर कन्नड़ा और उडुपी जिलों में लगातार तेज बारिश हो रही है। इन जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोडागु में जिला प्रशासन ने आज कॉलेज, स्कूल और आंगनबाड़ी बंद करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कल वर्षा प्रभावित जिलों के उपायुक्तों के साथ बातचीत की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। फरहत, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, स्पाइसजेट विमानन कंपनी के विमानों की बढ़ती आपात लैंडिंग पर सरकार का नोटिस अखबारों की अहम खबर है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, स्पाइसजेट को उड्डयन महानिदेशालय का कारण बताओ नोटिस। पिछले 18 दिनों तकनीकी खामी की 8 घटनाओं के बाद नोटिस जारी। मंगलवार को 3 विमान दुर्घटनाएं टली। नव भारत टाइम्स लिखता है, स्पाइसजेट के बाद विस्तार और इंडिगो के विमानों में भी खराबी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को शीर्षक दिया है, संवाद से ही होता है संभावनाओं का विस्तार। मोदी बोले, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं में पढ़ाई को दिया गया है प्रोत्साहन। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, केंद्र का फैसला, अब 9 की जगह 6 महीने में लगवा सकेंगे कोरोना का बूस्टर डोज। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी। वैश्विक बाजारों में खाद्य तेलों के गिरती कीमतों पर पंजाब केसरी की बड़ी खबर है, खाद्य तेल सस्ते होंगे, अधिकतम खुदरा मूल्य में 10 रूपये कटौती का आदेश, कटौती एक सप्ताह के अंदर करनी होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जम्मू कश्मीर में जल विद्युत परियोजनाओं में रिश्वत मामलों में 16 जगहों पर सीबीआई के छापे। किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर निर्माणाधीन किरू जल विद्युत परियोजना के सिविल कार्य के ठेके की जांच कर रही है सीबीआई। दैनिक भास्कर लिखता है, बिना ई टेंडर के 2200 करोड़ रुपए का ठेका दिया। हिंदुस्तान की खबर है, सरकार नए ईंधन खपत मानक लाने की तैयारी में, सभी श्रेणी के वाहनों पर लागू होंगे ये मानक, इससे उपभोक्ताओं को अधिक माइलेज देने वाले वाहन मिलेंगे। दैनिक जागरण की सुर्खी है, विदेशी मुद्रा लाने के नियमों में बदलाव, वैश्विक स्तर पर बने रहे हालात से घरेलू मुद्रा को बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का प्रयास। विदेशों से ज्यादा कर्ज ले सकेंगी कंपनियां, घरेलू ऋण बाजार में ज्यादा निवेश कर सकेंगे विदेशी निवेशक और प्रवासी भारतीयों से विदेशी मुद्रा में ज्यादा जमा जुटा सकेंगी बैंक। मॉनसून की मार शीर्षक से दैनिक भास्कर का कहना है, पहाड़ और मैदान पानी पानी, हिमालय प्रदेश में 5 और राजस्थान में 7 लोगों की मौत, एक साथ 20 से ज्यादा राज्यों में बारिश, 3 दिन का अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 1800 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का भी उद्घाटन करेंगे। संगीतकार इलैया राजा, प्रसिद्ध खिलाड़ी पीटी उषा, पटकथा लेखक वी विजयेंद्र प्रसाद और समाजसेवी वीरेंद्र हेगड़े राज्यसभा के लिए मनोनीत। प्रधानमंत्री ने नए सदस्यों को शुभकामनाएं दीं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। गृह मंत्री अमित शाह आज श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण करेंगे। कोविड की दूसरी खुराक और एहतियाती खुराक के बीच का अंतर 9 महीने से घटाकर 6 महीने किया गया। G20 विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से इंडोनेशिया के बाली में। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और नीदरलैंड्स में आज महिला हॉकी विश्व कप के अंतिम पूल मैच में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।